हेलो ब्रियान, नमस्कार। मैं हुसराज। चले नए वीडियो के साथ आते हैं पुष्पक नगर, नई मुंबई अपकमिंग एयरपोर्ट के पास। अभी मैं एग्जैक्टली खड़ा हूँ, ये जो रोड जा रहा है ना, यहाँ पे सेक्टर 10 के बारे में बताता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको सेक्टर 9 के बारे में बताया था। अभी सेक्टर 10 में क्या है, अभी आपको मैं बताता है। अभी समझ लीजिए, ये साइड जो लाइन है ना, ये बाउंड्री, ये रोड टीप रास्ता आ जाता है, ये इस तरफ देखिए, और वो साइड और ये साइड का ये सेक्टर है ना, 7 आता है। अभी सेक्टर 10 कैसा है कि ये जो रोड जा रहा है ना, ये रोड सीधा आपको सेक्टर 8 और सेक्टर 4 में जाता है, ये रोड सीधा वहाँ पे। और ये जो दिख रहा है, ये फुटपाथ है ना, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये फुटपाथ, ये सिर्फ देख रहे, देखिए ये देखिए, ये पूरा पट्टा है ना सेक्टर 10 आता है। सेक्टर 10 कैसा है कि एकदम ग्रीनरी व्यू बोलते हैं इसके, क्योंकि वहाँ से भी पीछे से भी एक रोड आ रहा है। अभी दिख रहा है आपको पूरा जंगल दिख रहा होगा, बराबर। अभी ये पूरी सारे ट्री है यहाँ पे, सब ये सब चीज है यहाँ पे। बट कैसा है कि ये पूरा फ्यूचर में पूरा क्लीन होगा, जो कुछ ट्रीज हटेंगे वहाँ से और कुछ ट्रीज रहेंगे यहाँ पे। और पूरा पीछे साइड देखेंगे तो एकदम हिल व्यू, ऊपर देखेंगे ये पूरा हिल व्यू, मतलब सेक्टर 10 में कैसा देखा जाएंगे तो आपको पूरा हिल व्यू मिलेगा इस तरफ। अभी सेक्टर 10 में कैसा है कि यहाँ पे क्या क्या है, सेक्टर 10 में देखा जाएंगे तो 3 गार्डन्स दिए हुए है, रिजर्व है जो सिडको की तरफ से, एंड उसमें कल्चरल सेंटर दिया हुआ है, कल्चरल सेंटर बोलते हैं उसको, वो आ रहा है वहाँ पे, और एक हेल्थ फैसिलिटीज दिया हुआ है। तो अभी आपको ये सिर्फ ये रोड लग रहा है, या ये रोड है, और एक अंदर के साइड भी रोड है, बट वो प्रपोज में रखा हुआ है, क्योंकि रीज़न कैसा है कि थोड़ा से ट्रीज है, वो परमिशन लेना पड़ता है, पूरा ट्रीज निकालना पड़ता है, कुछ ट्रीज निकलेंगे कुछ ट्रीज नहीं निकलेंगे, तो वैसे सब चीज़ है। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, ये रोड है, ये रोड अभी थोड़ा सा आगे जाके ये भी हिल व्यू है, कॉर्नर साइड से आप जाते हैं यहाँ से, ऐसा राइट मारेंगे तो आपको वो रोड डीपी रोड है, मतलब रोड ही आएगा, वो सेक्टर 7-6 में टच करता है फिर। तो सेक्टर 10 देखा जाएंगे तो यहाँ पे कुछ 6 फ्लोर है, 7 फ्लोर की है, कुछ बड़े प्लॉट्स में आपको 12 स्टोरेज का टावर भी आ जाएंगे। और हाँ, यहाँ पे जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वाटर सप्लायर जो है सिडको का, MBR बोलते हैं उसको, वो एक तो ऑलरेडी रेडी हो चुका हुआ है ऑलमोस्ट वहाँ पे, एंड दूसरा आपको यहाँ पे, और दूसरा सेक्टर 10 में और एक MBR, मतलब जो वाटर कनेक्शन का और एक आएगा, मतलब ऐसे दो वाटर कनेक्शन के आएंगे यहाँ पे, एक तो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, दूसरा और एक आने वाला है, वो जो आएगा ना इस तरफ आएगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि थोड़ा सा ट्रीज है, जंगल्स है, वो सब चीज़ परमिशन लेके हटाना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ऐसा चढ़न है, मतलब थोड़ा सा मिट्टी विट्टी का ढेर है सेक्टर 10 में, थोड़ा सा ये सब चीज़ हटेगा यहाँ से, थोड़ा काम सिडको वाले सब करेंगे यहाँ पे। तो अभी कैसा है कि देखा जाएंगे तो प्लॉट्स देखा जाएंगे, छोटे प्लॉट है जो 6 और 7 माले के आएंगे, एंड कुछ प्लॉट्स बड़े है वो 12 स्टोरेज के टावर में आएंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। बट ये कैसा है कि थोड़ा एकदम पूरा लास्ट में आता है, मतलब मेन रोड हाईवे है ना, वहाँ से थोड़ा लास्ट में आता है, मतलब यहाँ से पूरा हिल व्यू आ जाएगा आपको। देखा जाएंगे तो आपको बस डिपो बता देता हूँ, बस डिपो 1 किलोमीटर पकड़ लो वहाँ पे, जो सेक्टर 7 में आने वाला था ये बस डिपो आएंगे, तो वहाँ से 1 किलोमीटर पकड़ लीजिए। हाईवे से देखा जाएंगे तो अप्रॉक्स 1-2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर पकड़ लीजिए हाईवे से आपको अंदर आने के लिए, ये थोड़ा डिस्टेंस। तो ये आप लोगों को जो कैसे कि हिल व्यू चाहिए, थोड़ा एकदम कॉर्नर में चाहिए, तो ये सब चीज़ है। देखो पीछे साइड से देख रहे, ये देखिए ये पूरा हिल व्यू है, देखिए ये पूरा हिल व्यू है यहाँ से, ये देखिए ये पूरा हिल व्यू है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा हिल व्यू है, ये पूरा है। तो सराउंडिंग एरिया अच्छा है हिल व्यू में, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट मतलब आपको लेना रहेगा प्रॉपर्टी यहाँ पे शॉप्स के लिए या फिर फ्लैट्स के लिए, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए साइट विजिट के लिए, और देखिए क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल देखा जाएंगे तो 2 ही प्रोजेक्ट आए हुए हैं अपकमिंग में सेक्टर 10 में, एक 7 फ्लोर का है एंड एक है 12 स्टोरेज का, बट उसका अभी डिटेल्स नहीं मिला है, बट जो 7 फ्लोर का उसका डिटेल्स है मेरे पास, तो वो एक व्यू आ जाता है। बट जो अभी आप ये फ्रंट साइड में देख रहे हैं ना यहाँ पे, उसके पीछे भी है ना एक्चुअली प्लॉट आएगा, मतलब पीछे भी बिल्डिंग आ सकती है वहाँ पे, क्योंकि वो भी पीछे साइड भी प्लॉट दिया है, फिर उसके बाद रोड है ऐसा है, तो वो भी एक है। आप देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर करो, और साइट विजिट के लिए मुझे कॉल करिए साइट विजिट के लिए।
आप लोग आते हैं, लास्ट टाइम भी मैं कितना बार भी वीडियो बना रहा हूँ बट आपको मैं बोलना अच्छा नहीं लगता है। बट कैसा है कि आप मुझे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए साइट विजिट के लिए और पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगा साइट विजिट, क्योंकि मैं ही चीज़ यहाँ पे बता सकता हूँ कि बाकी लोग तो बताएंगे ही बताएंगे बट वो सेल्स के हिसाब से बताएंगे, उनको बेचना है उसके हिसाब से बताएंगे। बट मुझे तो रिलेशन बनाना है आप लोगों के साथ और अच्छे से अच्छा बॉन्डिंग रखना है। चीज़ हर चीज़ गलत सही वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसा क्या है। सो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए साइट विजिट के लिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करिए। सबका वो जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले। और हाँ, आपके फ्रेंड आपके रिलेटिव जिसको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे बेस्ट है आपको पुष्पक नगर नई मुंबई एयरपोर्ट पास। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द से जल्द। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।